हिना खान से मिलने रूपाली गांगुली पहुंची। जी हां, अनुपमा फेम रूपाली गांगुली हिना खान से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंची, जहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर है, थर्ड स्टेज से वो जूझ रही हैं। ऐसे में उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लिहाजा हिना खान की पहली सर्जरी भी की गई। पहले कीमोथेरेपी के बाद उनका पहला सर्जरी हुआ था, जिसके बाद ये सर्जरी अनसक्सेसफुल साबित रही। जी हां, डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि ये सर्जरी सक्सेसफुल साबित होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं और अब जब से ये खबर जिस किसी के कानों में पड़ रही है, उनके दोस्त हों, उनके फैमिली वाले हों, हर कोई हिना से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहा है। और अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है, जिनका नाम रूपाली गांगुली है। जी हां, बताया जा रहा है कि रूपाली गांगुली को जैसे ही पता चला कि हिना खान की जो पहली सर्जरी है वो रॉन्ग हो गई है, यानी कि अनसक्सेसफुल हो गई है, सक्सेसफुल नहीं हुई है, उसके बाद फौरन ही रूपाली गांगुली ने हिना खान से मिलने का प्लान बनाया और वो हॉस्पिटल जा पहुंची। उन्होंने हिना खान से मुलाकात की, उनके हेल्थ पर अपडेट लिया, उन्हें मोटिवेट करने का काम भी किया और साथ ही साथ उनके सपोर्ट में खड़ी रहने की बात भी की है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर हिना खान को कह दिया है कि वो हिना के सपोर्ट में हैं और हिना को किसी बात की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने विल पावर को बनाए रखना है ताकि वो जल्द से जल्द इस गंभीर बीमारी से लड़ कर के बाहर वापस लौट आएं। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि अनुपमा फेम रूपाली गांगुली के बाद अब कौन सा स्टार हिना खान से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। खैर, आप बताइए रूपाली गांगुली और हिना खान के इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है।